अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर इज हेयर। व्यूअर्स, मैंने अपने आप को एक एक्टिविटी दी है क्योंकि मैं लॉकडाउन में रहकर हो गई हूँ उदास। तो मैंने कल तो अपने अब्बू जी को डेडिकेट की थी अपनी डिश, और आज मैंने डेडिकेट करनी है अपनी अम्मी जी को। मज़े की बात ये है कि ये जो डिश मैंने बनाई है ये है चिकन और तोरियां। तो मैंने ये शरारतन बना के उनको डेडिकेट की है ताकि उनको पता चले कि मैं उनको कितना याद कर रही हूँ और कितना मिस कर रही हूँ। और शरारतन इसलिए कि वो ये सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह बनाया है और ये सारा इसका मेथड बताती हूँ। उसके लिए मैंने हाफ के जी जो है तोरियाँ ली हैं, एक टमाटर लिया है, एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 400 ग्राम तकरीबन है ये मैंने चिकन जो खुद ही क्यूब्स में काट लिया है मैंने, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली है, हाफ कप ऑयल ली है, एक चम्मच जो है मैंने धनिया काट लिया है, 5 हरी मिर्चें ली हैं, और इधर जो मसाले हैं उसमें वो मेरी अम्मी जी जो हैं बहुत कम मसाले डालती हैं, एक चम्मच जो है नमक है, हल्दी है और सुरख मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है और ज़ीरा है। हल्दी जो है हाफ टी स्पून है, बाकी सारे 1-1 टी स्पून है। तो चले मैं दिखाती हूँ कि वो ये किस तरह बना के हमें खिलाती हैं और ख़ुद नहीं खाती हैं। सबसे पहले मैं पैन में डालूंगी ऑयल, और चूल्हा मैंने जो है ऑन कर दिया और ये ऑयल चला गया है इसके अंदर। तो ऑयल को थोड़ा सा मैं गर्म करूंगी और उसमें डालूंगी मैं चिकन। अच्छा, अम्मी जी का पता क्या तरीका कार है कि वो जो चीज़ ख़ुद नहीं खाती ना तो वो बनाती, खैर बहुत मज़े की है, और वो तमाम पाकिस्तानी मदर्स की तरह जूते मार मार के हमें खिलाती थी। तो ये जो इसमें चिकन डाल दिया मैंने, इसको मैंने खुद ही काटा है, तो ये देखिए। अच्छा, मदर्स को ये मसला होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं तो वो चीज़ों में थोड़ी रद्दोबदल करके रोज़ नए तरीक़ों से चीज़ों को बनाने की कोशिश करती हैं, और हमारे यहाँ थोड़ा मसला ये है कि हमारी अम्मी जी नहीं खाती हैं। तो हम सबको तो उन्होंने इंटरनेशनल वेपन्स के साथ, आप समझ तो गए होंगे इंटरनेशनल वेपन्स क्या हैं, ठीक है। तो हम तो सब्जियाँ खाते हैं लेकिन बनाती बहुत मज़े की हैं। तो मैं आज जो है सब्ज़ी और चिकन जो है बिल्कुल उनके स्टाइल में बनाऊंगी। तो देखते हैं कि ये जो मैंने आज उनको डेडिकेट की है तो उसके ऊपर वो मुझे क्या रिस्पॉन्स देती हैं। अच्छा, वो साथ ही डाल देती हैं लहसुन अदरक, और साथ ही डाल देती हैं प्याज भी। अम्मियाँ जो होती हैं ना, इनके हाथ में जायका होता है, ठीक है, इनकी रेसिपीज़ में नहीं होता, इनके हाथ में जायका होता है। तो बहरहाल हमने तो जब वो जूते मार मार के ये खिलाती थी ना तो ये भी बड़ा मज़े का लगता था। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल उन्हीं के स्टाइल में ऐसी चीज़ जो वो खुद नहीं खाती और हमें खिलाती हैं। अच्छा व्यूज, ये देखें, प्याज और लहसुन अदरक जो है अच्छा सा फ्राई हो गया और चिकन भी अच्छा सा फ्राई हो गया। अच्छा, प्याज जो ना हमेशा हर सालन में क्यूब्स में काट के डालती हैं, चॉप करके, लंबा लंबा प्याज नहीं डालती। चावल हो, सालन हो, कोई भी चीज़ हो ना, तो अम्मी जी ना इसमें चॉप करके डालती हैं। अब मैं इसमें शामिल करूंगी टमाटर। अच्छा, टमाटर की उनकी शर्त ये होती है कि टमाटर जो है ना वो किसी भी चीज़ में छिलके समेत नहीं डालती हैं, ठीक है। तो मैंने भी इसके छिलके उतारे हैं
और इसको काटा और अब डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ही फ्राई करूँगी, तो फिर दोबारा इसमें मैं डालूँगी मसाले। अच्छा, ये जो तोरियाँ हैं इनको मैंने छील कर काट लिया, और तब तक मसाला भुन रहा है तो मैं इसको फिर शामिल करती हूँ। ये वो मसाले हैं जो अम्मी जी डाल दिए हैं, इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और ज़ीरा, बस इतनी चीज़ें, कोई कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डाल देंगी और कुछ और चीज़ें नहीं जो हम लोग डाल देते हैं ना फ्लेवर के लिए, तो वो नहीं डालती हैं। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें वो जो मैंने तोरियां काट ली हैं उनको शामिल करूँगी। अच्छा, ये चिकन जो है बहुत अच्छा सा भुन गया, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी तोरियां। तो तोरियां शामिल करके इसको मिक्स करके फिर मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें, अच्छा इनको धोने, इनको ना काटने से पहले ना धो लेते हैं अच्छा सा छील कर, क्योंकि अगर काटने के बाद धोए ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती हैं। तो इनको मैंने पकाना इन्हीं के पानी में है, स्टीम पे बनाऊंगी, इसको मैंने पानी नहीं डालना इसमें, इसलिए ना इसको काटने से पहले धोना है। अब ये इसमें बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई है, तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ दम 10 मिनट का। अब मैं चेक करती हूँ इसका दम कि ये कैसी बन गई है। देखें कितनी खूबसूरत शक्ल है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो 1-2 मिनट के बाद मैं इनको डिश आउट करके बनने, ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, बहुत ही प्यारी शक्ल है इनकी। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया, इसके ऊपर जाएगा धनिया और डालूंगी इसे अभी हरी मिर्चें। तो अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूज़, इसको मैंने डिश आउट कर दी है, और जितनी प्यारी इसकी शक्ल है ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो एंड पे मैं यही कहूँगी कि आप इसको बनाइएगा, ख़ुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, और हमारी अम्मी जी की तरह तो बिल्कुल ना इनको खिलाइएगा। तो साथ में ये वही मैसेज दूँगी, घर में रहिएगा अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरों की सेफ्टी के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।